नमस्ते दोस्तों, आज थर्सडे को मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए एक माइथोलॉजिकल स्टोरी लेकर आई हूँ। रात में हम लोग अक्सर आकाश में देखते हैं तो हमें ढेर सारे जगमगाते हुए तारे नज़र आते हैं। उनमें से एक तारा उत्तर दिशा की ओर सबसे ज़्यादा जगमगाता और सदैव अपनी उसी पोजीशन पे स्थिर रहने वाला तारा, जिसे हम ध्रुव तारा या फिर नॉर्दर्न पोल स्टार भी कहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ध्रुव तारे की ही कहानी बताऊंगी। बहुत ही प्राचीन काल की बात है। राजा उत्तनापद करके एक राजा थे, उनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि था। दोनों ही रानियों से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा अपने दोनों ही पुत्रों से बहुत प्यार करते थे। रानी सुनीति भी दोनों ही बालकों से एक समान भाव से प्यार करती थी, किंतु रानी सुरुचि को बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या थी पहली पत्नी सुनीति से और उनके पुत्र ध्रुव से। एक बार राजा की गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम राजा की गोद में बैठकर खेल रहा था, तब ध्रुव भी वहाँ पहुँच गया। ध्रुव उत्तम को अपने पिता की गोद में खेलकर ध्रुव के कोमल मन में भी अपने पिता की गोद में बैठने का मन किया और वो जाके अपने पिता की गोदी में बैठ गए। उसी समय सुरुचि वहाँ आई और ये देखकर उसे बहुत ही गुस्सा और ईर्ष्या हुई और तुरंत वहाँ ध्रुव को राजा की गोदी से उतार कर उन्होंने कहा कि ना तो अपने पिता की गोदी में और ना ही इस राज्य के सिंहासन पर तेरा कोई अधिकार है। राजा की गोद, अपने पिता की गोद और सिंहासन पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम का है। ध्रुव के कोमल दिल को ये बातें सुरुचि की बहुत आहत करी और बहुत ही भाव विभोर होकर वो अपनी माता सुनीति के पास गया। माता सुनीति ने जब ये बातें सुनी तो उसने कहा कि सबको अपने कर्मों के हिसाब से फल भोगना पड़ता है, तो हे पुत्र तुम दुखी मत हो और तुम जो सबके पालनहार हैं, जो सबके दुख निवारण करते हैं, तुम उनकी आराधना करो। श्री हरि विष्णु वही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। माता सुनीति की बातें सुनकर ध्रुव के कोमल हृदय में भगवान विष्णु के भक्ति भाव जागृत हो गया और उन्होंने निश्चय किया कि वो वन में जाकर अन्न जल त्याग कर भगवान विष्णु की आराधना करेंगे जब तक कि वो प्रसन्न नहीं हो जाते। और ऐसा कहकर उन्होंने घर छोड़कर वो वन में ही चले गए। वन में जाकर उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और एक अंगूठे के पैर के बल पर खड़े होकर वो तपस्या में लीन हो गए। समय व्यतीत होता चला गया और उनके अंगूठे के पैर के बल से पृथ्वी दबने लगी। उनकी तपस्या का जो तेज था वो तीनों लोगों में जगमगाने लगा। अनंतः भगवान विष्णु को उनके सामने प्रकट होना पड़ा उनकी इसी भक्ति से प्रसन्न होकर। तब जब वो उनके सामने प्रकट हुए तो बालक ध्रुव से उन्होंने पूछा कि बताओ बालक, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मेरी इतनी कठोर उपासना करी है, मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब ध्रुव ने कहा कि हे प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका स्नेह चाहिए। उन्होंने बताया कि मैं अपने पिता की गोद से उतार दिया गया था माता सुरुचि के कारण, इसीलिए मेरी माता ने कहा कि मैं आपकी भक्ति करूँ, तो मुझे आप अपनी गोद प्रदान करिए प्रभु, जिससे मुझे जहाँ से मुझे कोई उतार ना सके कभी भी, और मुझे आपका स्नेह हमेशा मिलता रहे। बालक की ऐसी बातें सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारी ये निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये ब्रह्मांड मेरा अंश है और ये आकाश मेरी गोद। आज से मैं तुम्हें आकाश जो मेरी गोद है उसमें स्थान देता हूँ, वहाँ से तुम्हें कभी कोई हिला नहीं पाएगा। तुम्हारा जो तुम ध्रुव तारे के रूप में अमर हो जाओगे, तुम्हारी रोशनी पूरे ब्रह्मांड को जगमगाएगी और तुम सब ऋषियों से भी ऊपर तुम्हारा स्थान होगा। किंतु अभी तुम छोटे हो, तुम वापस घर जाओ और अपने राजपाट संभालो। 36,000 वर्ष तक तुम्हें वो राजपाट संभालना है और उसके बाद तुम वापस मेरी गोद आकाश में आकर विराजमान हो जाओगे और वहीं पर स्थिर रह के तुम ध्रुव तारे के रूप में अमर हो जाओगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु की बातें सुनकर ध्रुव वापस अपने घर चले गए। कुछ समय पश्चात राजा उत्तनापाद ने अपना राज्य ध्रुव को सौंपकर वो वन में चले गए और ध्रुव ने
36,000 वर्ष तक निरपक्ष राजा की तरह वहाँ पर राज्य किया और फिर ध्रुवतारे के रूप में वो अमर हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी ध्रुवतारे की। तो बच्चों और दोस्तों, आज की ये कहानी से हमें यही पता चलता है कि दृढ़ विश्वास से कुछ भी संभव है। अपने कोमल मन बालक, जब वो बालक थे ध्रुव, तभी उन्होंने अपने कोमल मन में इतना दृढ़ निश्चय कर लिया कि उन्हें तो भगवान विष्णु की गोद ही चाहिए, और वो उन्होंने इसको कर दिखाया। इसलिए यदि हम भी कोई दृढ़ निश्चय कर लेंगे तो वो चीज़ हम ज़रूर हासिल कर सकते हैं। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे ज़रूर फॉलो करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।